दोस्तों हमारे साथ पुनीत जी हैं जो अभी अभी यूपीएससी भवन से निकल रहे हैं यूपीएससी इंटरव्यू देके। पुनीत जी से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि उनकी इंटरव्यू कैसी गई, किस तरह के सवाल पूछे गए और ओवरऑल जो यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है ओवरऑल स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश करूंगा। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज यहाँ तक पहुँचना प्रीलिम्स मेंस देन इंटरव्यू इट इज़ नॉट अ इजी टास्क। सो अभी आप इंटरव्यू देके निकल रहे हैं तो ये कैसा अटेम्प्ट था सर आपका? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था और ये मेरा पहला इंटरव्यू था। थर्ड अटेम्प्ट और पहला इंटरव्यू, इससे पहले कहाँ तक गए थे? प्रीलिम्स मेंस तक पहुँचे थे? हाँ मैंने दोनों दो बार मेंस दिए हैं, ये मेरा तीसरा मेंस था और ये मेरा पहला इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं हो पाया, क्या रीज़न रही? हाँ कुछ मेरी कमियाँ थी, मैं यूपीएससी की डिमांड को नहीं समझ पाया था। ओके पहले अटैम्प्ट में तो एक तो जो आंसर है वो कम्प्लीट नहीं हो पाए थे, ये क्वेश्चन मतलब स्पेसिफिकली GS 1-2-3 में वो कंप्लीट नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से थोड़ा कट ऑफ में 10 मार्क्स से रह गया था। तो बट वही है यूपीएससी की डिमांड को अगर आप पहले ही समझ जाते हैं तो इजी है, मेंस क्वालिफाई करना इतना टफ नहीं है जितना प्रीलिम्स है। तो यूपीएससी की डिमांड समझनी बहुत ज़रूरी है, बहुत चीज़ बहुत बड़ी बात कह दी सर ने। अब ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले बार की जो कमियाँ थी इस बार आपने किस तरह से क्या चेंज किया, आपने आपको क्या स्ट्रेटेजी में बदलाव थी जो इस बार आप इंटरव्यू में दे के आए हैं? एक तो जो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस करना, अलग से ही फोकस करना चाहिए उसके ऊपर, और ऐसे और एथिक्स के सब्जेक्ट को, ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको इंटरव्यू तक क्वालिफाई करवा सकते हैं। और जो GS 1-2-3 है उसमें तो सभी के लगभग सेम मार्क्स ही आते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट इनके तीनों के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस होना चाहिए। सर आपसे किस तरह के सवाल पूछे गए थे, आपके बोर्ड में कौन थे? बोर्ड था मेरा बीबी व्यास सर का बोर्ड था, काफ़ी कॉर्डियल बोर्ड था। हाँ शुरू में तो उन्होंने जो मेरे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था उनसे क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा। और इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड था तो उससे भी, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। हाँ तो अभी तो यही। सो एंथ्रोपोलॉजी से किस तरह के सवाल थे सर? किनशिप रिलेटेड, किनशिप टॉपिक है एक एंथ्रोपोलॉजी में, तो किनशिप के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे। किनशिप को अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में कैसे देख पा रहे हैं आप, अभी इंडियन सोसाइटी में कैसे देख पा रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स सर? करंट अफेयर्स से तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस नहीं था मेरा इंटरव्यू, मेरा ज़्यादातर डेफ के ऊपर ही था जो मेरा बैकग्राउंड है, जैसे सैमसंग कंपनी में काम किया था तो उसमें था काफ़ी क्वेश्चन से, और जो काफ़ी जो इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने इंजीनियरिंग की है तो उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन थे। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स से सवाल थे, डेफ से पूछे गए, करंट अफेयर्स से पूछे गए, आपके ऑप्शनल पेपर से ही पूछे गए, राइट? तो आपने ऑप्शनल पेपर एंथ्रोपोलॉजी है तो एंथ्रोपोलॉजी क्यों लिया आपने, मतलब आपका तो बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था तो ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली मेरे पास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट था तो एंथ्रोपोलॉजी में लगभग 1/3 पार्ट बायोलॉजी होता है तो इसलिए मैंने एंथ्रो के ऊपर जाता था। ऑल ऑफ दैट ये सारी चीज़ें होती हैं इसलिए आपको लगा कि जो है व्हाई नॉट गो विथ एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी में आपको कैसा लगता है, किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, मतलब वैसे स्टूडेंट जो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ऑप्शनल, तो एज ए एंथ्रोपोलॉजी कैसा रहेगा उन सारे स्टूडेंट के लिए? काफ़ी सही ऑप्शनल है, काफ़ी सही स्कोर भी कर रहा है आजकल वो एंथ्रोपोलॉजी, काफ़ी सही कोचिंग वगैरह मटेरियल वगैरह भी अवेलेबल है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आइए एंथ्रोपोलॉजी में, बिल्कुल आइए। सर एंथ्रोपोलॉजी में कौन कौन सी बुक्स आपके हिसाब से जो बेस्ट होगी स्टूडेंट के लिए? नहीं ऐसी कोई बुक्स मैंने स्पेसिफिकली तो उठाई नहीं थी, बट जैसे ब्रेन ट्री के नोट्स सब सजेस्ट करते हैं, एक एंथ्रोपोलॉजी क्वेश्चन कम आंसर बुक है एक विवेक भाष में करके, तो वहीं से ज़्यादा पढ़ा था, और एक वीडियोज़ मिल गए थे एक जो काफ़ी अच्छी फैकल्टी हैं, काफ़ी फेमस भी हैं, तो उनके वीडियोस वगैरह देख के काफ़ी थॉट्स क्लियर हुए थे। कोचिंग नहीं ली थी ऐसे स्पेसिफिक, खुद से प्रिपेयर करता तो फिर भी सही है। सो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए सर ने कोई भी कोचिंग नहीं लिया, खुद से सेल्फ स्टडी की। और सर आपके ऑप्शनल जो एंथ्रोपोलॉजी थी उसमें कैसे, क्योंकि अभी तो मार्क्स पता नहीं चल रहा किसी को क्या है, बट आपके हिसाब से कैसा रहा था मेंस में? जो पिछली बार मैंने मेंस दिया था उसमें काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं, बट मतलब क्वेश्चन काफ़ी ऐसे थे जो नहीं प्रिडिक्ट किए हुए थे। अच्छा। इस बार काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन थे तो काफ़ी अच्छा स्कोर मतलब किया जा सकता था आराम से एंथ्रोपोलॉजी में, इस बार पेपर इतना टफ नहीं था। इनिशियली तो नर्वसनेस होती है बट बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल था तो उन्होंने रिलैक्स करने के लिए बोला, और फिर कुछ नॉर्मली क्वेश्चन थे, जैसे कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे थे, नॉर्मल जो भी आपके डैफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे तो उनके ऊपर आपको मतलब पता होना चाहिए काफ़ी, इतना कुछ। हाँ अगर आपने अगर मॉक वगैरह दिए तो काफ़ी इजी हो जाता आपके लिए। अच्छा। तो ठीक था, लेकिन इतना ज़्यादा नर्वसनेस होती नहीं है बाद में, शुरू इनिशियली होती है पर बट बाद में वो रिलैक्स कर देते हैं। नहीं अगर ऑप्शनल
एक्चुअली ऑप्शनल ही आपको ना मेंस क्लियर करवा सकता है, तो ऑप्शनल या तो आप कोचिंग ले ले या फिर कहीं से वीडियो जो अच्छी फैकल्टीज वगैरह वो असल में आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो अच्छे से समझा देते हैं। आपको जो भी नोट्स वगैरह कंटेंट तो मिल जाएगा बट आपको एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है वो अच्छे से समझा देते हैं, तो गाइडेंस सही होती है। इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगा कि शायद आप और अच्छे तरीके से जवाब दे सकते थे या फिर आपको नहीं पता था कुछ ऐसा क्वेश्चन? हाँ नहीं, काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं बट हाँ नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन अभी तो नहीं याद आ रहा जिसका और अच्छे से जवाब देवा था। ठीक है, जनरल स्टडीज़ की अगर बात करें तो जनरल स्टडीज़ की तैयारी अपनी कैसे, क्योंकि ये थर्ड अटैम्प्ट है और आप ऑलरेडी दो बार मेंस तक पहुँचे थे तो ऑब्वियसली आपकी तैयारी अच्छी रही होगी, तो जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए एज ए एस्पिरेंट्स? मतलब सिलेबस बताइए, आप सिलेबस में जो भी स्पेसिफिक टर्म्स दे रखी हैं, जो भी सब टॉपिक्स वगैरह दे रखे हैं उनके ऊपर अलग से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। उनको प्रिपेयर भी ऐसे कीजिए कि मतलब डाटा हो आपके पास, उनके प्रोज कॉन्स जो भी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स वगैरह हो ये सब कुछ होने चाहिए। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी जनरल स्टडीज़ के लिए, आप कैसे कर देते थे? कुछ नहीं, जो स्टैटिक पोर्शन GS1 का तो वो तो स्पेसिफिक बुक्स वगैरह जो रिकमेंड करते हैं उनसे की थी। GS2 में सभी लक्ष्मीकांत बताएं तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए विजन की मैगजीन वगैरह होती हैं उनसे की थी, और जो बाकी गवर्नेंस के नोट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक नोट्स प्रिपेयर किए थे। GS3 में जितनी भी टर्म्स थी मतलब जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनके लिए स्पेसिफिक जो भी टॉपिक वगैरह थे उनके ऊपर डाटा वगैरह कलेक्ट किया, स्पेसिफिक उनके जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह हैं, और बाद में बस मतलब उन्हीं को रिवाइज करते गए बार बार। तो हाउ NCERT इज इम्पोर्टेंट, मीन्स NCERT बुक किस तरह से एक सपोर्टिंग स्टडी मटेरियल होता है, क्योंकि काफ़ी टॉपर्स होते हैं वो NCERT बोलते हैं NCERT पढ़ो, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? NCERT आपके बेस बनाने के लिए काफ़ी सही है। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो आप NCERTs को इग्नोर नहीं कर सकते। तो NCERT शुरू में स्टार्ट करिए, बट जो भी जैसे जो करंट टॉपिक्स वगैरह हैं तो उनके लिए काफ़ी अलग से आपको गूगल करना पड़ेगा या फिर और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो भी ये जितने इंस्टीट्यूट्स वगैरह के, तो इनके काफ़ी अच्छा कंटेंट वो ऑनलाइन मिल जाता है। तो NCERTs प्लस इन चीज़ों को गूगल वगैरह करेंगे तो आपको सही कंटेंट मिल जाएगा। सर आपने करंट अफेयर्स के लिए क्या किया था? करंट अफेयर्स के लिए जो मंथली मैगजीन्स आती है काफ़ी इंस्टीट्यूट्स की आती है तो उन्हीं को फॉलो किया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो न्यूज़पेपर था हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वो तो रेगुलरली चलना चाहिए। आपके वो जो थॉट डेवलप करते हैं वो तो न्यूज़पेपर ही करते हैं, जो स्पेसिफिकली एग्ज़ाम्स के टाइम पे जो प्रिपेयर करना होता है वो तो मैगजीन्स वगैरह से किया जाता है। सर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से ही करता हूँ। सो प्रॉपर दिल्ली से हैं और ये थर्ड अटैम्प्ट में कैसा लग रहा है सर, अभी आप दे के आ रहे हैं, आप हाउ यू आर मेजरमेंट्स? अभी कुछ तो कॉन्फिडेंस अंदर से लग रहा होगा कि आपके प्रीलिम्स अच्छे गए हैं, मेंस अच्छे गए हैं और इंटरव्यू भी हमें लग रहा है कि आपकी कॉन्फिडेंस बता रही कि अच्छा ही गया है, तो आप अपने आप को किस तरह देख रहे हैं? नहीं, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है बट इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है आप मतलब डिसाइड नहीं कर सकते, हाँ तो वो तो रिजल्ट ही बताएगा कैसा गया कैसा नहीं गया। लास्ट में एक क्वेश्चन, क्योंकि आप तीसरी अटैम्प्ट है, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस बारे में, 5 जून को होने वाली है प्रीलिम्स और बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स देंगे, तो इस वक्त क्योंकि एक महीने के आसपास वक्त बचा है, तो इस वक्त लास्ट 45 डेज़ में किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए? कुछ नहीं, अभी तो 1.5 महीना बचा आपके पास, तो आप रिविज़न करिए, कोई भी नया कंटेंट मत उठाइए, अभी रिवीजन ही मेन है। आपको जैसे 100 क्वेश्चन होंगे तो आपको हो ही नहीं सकता कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन आते हों, 80 भी नहीं आते होंगे आपको, 50 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर रहे हैं तो वही, अगर आपको बाकी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो वो रिवीजन की कमी की वजह से हो रहा है, तो आप रिवीजन करिए, रिवीजन इज़ मेन। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपने चार पाँच बार नहीं किया होगा अच्छे से तो प्रीलिम्स टफ हो जाता है। अच्छा, प्रीलिम्स में सबसे बड़ी चीज़ आजकल आप भी जानते हैं कि CSAT को लेके काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कतें इन द सेंस UPSC ने पैटर्न चेंज कर लिया है जो लास्ट क्वेश्चन थे CSAT के, तो CSAT के बारे में क्या मतलब आपकी क्या स्ट्रेटजी थी और आप किस तरह समझाना चाहते हैं एस्पिरेंट को कि CSAT के लिए किस तरह तैयारी करनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली मैंने CSAT पे कभी ध्यान नहीं दिया, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो कभी दिक्कत आई नहीं है। अच्छा, इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग ही अब तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब CSAT के ऊपर स्पेसिफिकली अलग से ध्यान नहीं दिया कभी। सो लैंग्वेज आपकी इंग्लिश थी, राइट? हाँ, यस। सर का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रहा, इंग्लिश लैंग्वेज रही, थर्ड अटैम्प्ट रहा, 2 अटैम्प्ट सर मेंस तक गए और इस पर इंटरव्यू है। सर ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा, अब बिल्कुल होगा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।